महिलाओं का सुरक्षा का सवाल है, यहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, यहाँ लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, आज जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, यही सब हमारे मुद्दे हैं। आज डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ के प्रत्याशी हैं लक्ष्मण गिलवा जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कभी इन बिंदुओं को, इन समस्याओं को निराकरण करने के लिए कोई पहल नहीं की है, कोई प्रयास नहीं किया। कल परसों भी यहाँ से करीब 26 बच्चे पलायन कर रहे थे, लड़की बच्चियां पलायन कर रहे थे, लड़के पलायन कर रहे थे, उन्होंने इस पर भी कभी प्रयास नहीं किया कि भाई यहाँ रोजगार उपलब्ध हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़ी बातें करती है कि हम स्किल इंडिया के नाम पर रोजगार दे रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। यहाँ डबल इंजन की सरकार का कोई मतलब नहीं है।